Then what is the output of given example applications? In that case we are providing switch statement. Check karo is case mein output kya print hone chances honge. In that case हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो गया लाइक इन दैट केस. सबसे पहले ए के केस में ए का वैल्यू क्या है, वन. वन फर्स्ट केस से मैच हो जाएगा, डिस्प्ले क्या हुआ प्रिंट एप से, वैल्यू ऑफ ए एस वन. इसके जस्ट बाद चांस केस को प्रोवाइड हुआ, इस ब्रेक स्टेटमेंट फॉर्म हुआ ब्रेक, इसलिए नेक्स्ट केस डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, क्या डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यू एस वन. अभी भी ब्रेक स्टेटमेंट फॉर्म नहीं हुआ, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगेन फिर से डिस्प्ले हुआ वैल्यू ऑफ ए एस वन. इन थ्री टाइम ए दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. इस प्रोग्राम को अगर गौर से कॉन्सेंट्रेट करो इन दैट केस, चेक करो कहीं भी कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू स्विच का बॉडी टर्मिनेट हुआ है क्या, नहीं. मीन्स इस केस में बाय डिफॉल्ट स्विच का बॉडी, मीन्स खुद से एज्यूम करें दिस इज द बिगिनिंग, बाय डिफॉल्ट स्विच का बॉडी टर्मिनेट कैसे हुआ, आफ्टर फर्स्ट सेमी कॉलन. फर्स्ट सेमी कॉलन फाउंड हो रहा जस्ट आफ्टर प्रिंट एफ स्टेटमेंट, मीन्स दैट वन. मीन्स इसके जस्ट बाद खुद से कंसिडर करें एज ए क्लोजिंग, एंड दिस इज द कंप्लीट बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट. अब रिमेनिंग पार्ट्स के रिगार्डिंग बात करें, ऑलरेडी डिस्कस किया था, कभी भी कोई भी केस आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस केस में रेज होगा कंपाइल टाइम एरर, मिसप्लेस्ड केस, कंपाइल टाइम एरर, देयर इज नो आउटपुट.